comunque. Ora parlo. Bergillo. Non fai bueno, bueno, bueno. You're most welcome in my class, especially for standard 6th. In this period, we are going to study on the topics of the Earth and Solar System. The Earth and Solar System. Earth, already you understood that Earth on means Earth on which we live. And solar system on which our Earth move around the, revolve around the sun. That is the solar system. Not only Earth move around the Earth, Earth revolve around the us, but many other planets like the Mercury, the Venus, the Earth, the Mars, the Jupiter, the Saturn, the Uranus, the Neptune, and Pluto. Actually, Pluto have no real existence in recently, but Pluto was also the part of our solar system. So this video is for standard 6th. So you have some lacking. So I want to deliver the speeches on this topic in Hindi or English mixed languages. So celestial bodies is the first components that are the primary parts of the solar system. Celestial bodies means all the substances, all the bodies that are hang in the sky. Means our Earth, our planets, our stars, our sun, meteoroids, asteroids, comets, all of these are celestial bodies because they are live in the sky. So these are the celestial bodies. In this segment, we can include stars, planets, satellites, asteroids, meteoroids. मतलब ये हुआ कि celestial bodies का हिंदी टर्म होता है आकाशीय पिंड, आकाशीय या खगोलीय पिंड, खगोलीय पदार्थ। तो celestial bodies वो खगोलीय पदार्थ हुआ जिसमें तारे, सूर्य, planets, ग्रह, satellite, उपग्रह, asteroids, meteoroids, ये सभी celestial bodies कहलाते हैं। दूसरा है constellation। constellation जो है वह तारों का एक समूह होता है जो अलग अलग प्रकार की आकृति बनाती है, उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं। और ये अलग अलग स्टार्स का ग्रुप होता है जो अलग अलग तरह के फॉर्म बनाते हैं। रात में जब इन द नाइट व्हेन यू ऑब्जर्व इन द स्काई देन यू फाइंड दैट अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स मेड अ डिफरेंट पैटर्न्स, डिफरेंट स्टार पैटर्न्स। इन दिस सेगमेंट यू कैन, मतलब इस क्षेत्र में आप देख सकते हो कि रात में जब आप आकाश में ऑब्जेक्ट करो तो आपको, आप देखेंगे कि तारों का समूह जो है कई आकृति बनाती है। इसी में से उर्स मेजर है जो एक आकृति बनाती है, एक सप्तर्षि मंडल है जो भी एक आकृति बनाती है। सप्तर्षि मंडल जिसको लोकल लैंग्वेजेज में जो है सप्तर्षि मंडल भी कहते हैं या सतभैवा करके एक लोकल टर्म का एक टर्म है। तो वो भी सप्तर्षि मंडल है जिसमें सात तारों का एक ग्रुप है और एक जो तारा उसमें से नॉर्थवार्ड जाता है जिसे ध्रुव तारा या पोलर स्टार कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं। तो कॉन्स्टिलेशन समझ में आ गया कि तारों का एक समूह है जो अलग अलग प्रकार की आकृति बनाती है, उसे कॉन्स्टिलेशन कहते हैं।
इसी में से उर्स मेजर भी है जो आकृति बनाती है, उर्स आकार का भालू के टाइप का ये आकृति बनाती है। दूसरा है सप्तर्षि मंडल जो सात तारों का एक समूह है, जिसमें देखोगे कहते इस तरह का सात चार है और फिर जो है इसमें से ये तीन तरह का है और एक जो इसके नॉर्थ में जाता है जिसे पोल स्टार कहते हैं, ध्रुव तारा कहते हैं। तो ये भी इसी सप्तर्षि मंडल का हिस्सा है। इस दिशा में कॉन्स्टिलेशन ये आ गया, उसके बाद पोलर स्टार, पोल स्टार है यही ध्रुव तारा है जो कि ये सप्तर्षि मंडल के, सप्तर्षि मंडल के एक केंद्र में आता है, एक लाइन खींचने पर सीधा नॉर्थ दिशा की ओर इंडिकेट करता है। तो ऐसे तारों को जो नॉर्थ दिशा हमें बतलाती है उन तारों को पोल स्टार या ध्रुव तारा कहते हैं। अब आइए प्लैनेट और सैटेलाइट। प्लैनेट का हिंदी टर्म होता है ग्रह, और ग्रह का मतलब होता है कि वैसे सेलेस्टियल बॉडीज, वैसे आकाशीय पिंड जिसका न तो अपना कोई हीट होता है और न ही अपना कोई प्रकाश होता है। तो वैसे सेलेस्टियल बॉडी जिसका अपना हीट और लाइट नहीं होता है तो इसको हम प्लैनेट कहते हैं। ऐसे प्लैनेट शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के ग्रीक टर्म के प्लैनेटाई से लिया गया है, जिसका मतलब होता है वांडरर्स, मतलब इधर उधर घूमने वाला, मतलब घूमने वाला। तो प्लैनेट चूंकि घूमता है वो भी सूर्य के चारों ओर घूमता है, सन के चारों ओर घूमता है, इसीलिए इसे प्लैनेट कहा गया। अब एक और है कि इसमें सैटेलाइट भी है। सैटेलाइट का मतलब होता है जो प्लैनेट के चारों ओर घूमता है, जैसे ये अर्थ है तो अर्थ के चारों ओर मूव करने वाला जो है वो मून है ना। मून जो है वो अर्थ के चारों ओर मूव करती है, अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करती है, तो वो सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट एक का मतलब जिस तरह से ये अर्थ है, मरकरी है, ये वीनस है, अर्थ है, मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो है, ये कुल मिला करके क्या है, ये सभी कॉम्पेनियन है और ये कॉम्पेनियन के सेंटर में सन है, इसीलिए इस पूरा इको एक फैमिली भी कहा जाता है, सोलर फैमिली कहा जाता है और इसी को सोलर सिस्टम भी कहते हैं। और ये सोलर सिस्टम क्या है कि ये लगभग जो नौ ग्रह हैं, नौ ग्रह मिलकर के ये बनाते हैं और ये सारे ग्रह एक साथी के रूप में सन के चारों ओर मूव करता है, इसको सोलर सिस्टम हम कहते हैं। सोलर सिस्टम का जो सेंटर में होता है वह सूर्य होता है, सन होता है, जो कि सन जो है एक बहुत बड़ा आकृति का, बहुत आकार वाला होता है और वह एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से मिलकर बना होता है, स्पेशली हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड और भी जितने भी हॉट गैसेज होते हैं उनसे इनका बना होता है। ये जो है एक पुलिंग फोर्स क्रिएट करती है जिसके कारण सारे प्लैनेट जो है इसी से बंधे रहते हैं और इसके बंधे होने के कारण यह क्या है कि एक सोलर सिस्टम का रूप लेता है, एक परिवार का रूप लेता है। और ये जो सन है, ये सन और इस अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है, इसके सेंटर से डिस्टेंस लें और अर्थ के सेंटर से ये जो डिस्टेंस लें, ये डिस्टेंस लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, 150 मिलियन किलोमीटर है ये सन, और सन के सेंटर से और अर्थ के सेंटर से जब हम इसका ये डिस्टेंस लिया जाता है, लिया गया या एक्चुअली मशीनरी डिस्टेंस है, तो वो जो डिस्टेंस है वह 150 मिलियन किलोमीटर है। अब जो दूसरा टर्म आता है इसमें ऑर्बिट, ऑर्बिट कहते हैं, ऑर्बिट का हिंदी टर्म कक्षा होता है और ऑर्बिट उसको कहते हैं जिसमें कोई भी प्लैनेट, ये सपोज ये प्लैनेट मरकरी है, मरकरी सन के जो चारों ओर मूव करती है, चारों ओर जो रिवॉल्व करती है, तो ये जो पाथ है, ये जो रास्ता है जिससे होकर ये मरकरी जो है सन के चारों ओर रिवॉल्व करती है, तो इसी रास्ते को, इसी पाथ को ऑर्बिट कहते हैं, इसी पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। इसी ऑर्बिट पर हमारा अर्थ भी है जो सन के चारों ओर एक अंडाकार रूप में जो है वह घूमती है। तो ये ऑर्बिट, ये जो अंडाकार पथ है
इसी पाथ को ऑर्बिट कहते हैं। और किसी कोई है जैसे ये मरकरी है, ये सन के चारों ओर रिवॉल्व करने में लगभग 88 डेज लेती है, जबकि हमारा अर्थ जो है इसके चारों ओर घूमने में अर्थ को 365 डेज एंड 6 आवर लगते हैं, जबकि प्लूटो जो है जो कि सबसे दूर है और इसे सन के चारों ओर घूमने में लगभग 248 ईयर लगते हैं, 248 ईयर लगते हैं सन के चारों ओर रिवॉल्व करने में। ये मून की अभी हमने बात किया, मून जो कि सन के जो अर्थ के चारों ओर मूव करती है वह मून है, और वह मून जो है मून सन के ये अर्थ के जो चारों ओर जो घूमती है उसमें लगभग जो है 27 दिन का समय लेता है। और ये अर्थ और ये मून और ये अर्थ के बीच का जो डिस्टेंस है वह 3.8 लाख किलोमीटर है, 3.8 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ है। इसके बाद का जो एक टर्म आता है एस्टेरॉइड, इट इज द न्यूमरस बॉडीज, एक न्यूमरस सेलेस्टियल बॉडीज है जो रॉकी पार्टिकल्स है जो कि जुपिटर और मार्स के बीच, ये मार्स है और ये जुपिटर है, इसके बीच छोटे छोटे रॉकी टाइनी पार्टिकल्स में जो है ये सन के चारों ओर मूव करते हैं, सन के चारों ओर इसी के प्लैनेट की तरह ये भी इसके चारों ओर सिर्फ इसी बीच में इसी ऑर्बिट में ये लगातार घूमते रहते हैं। और ये क्यों घूमते हैं, क्योंकि अपना इनका ग्रेविटेशनल पुल है। और इसमें से जो सबसे लार्जेस्ट टाइम पार्ट्स है रॉक पार्टिकल्स का उसका नाम साइरस है, तो ये एस्टेरॉइड है जो कि इसके चारों सन के चारों ओर घूमता है। इसके अलावा एक मीटियोराइट्स भी होता है जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और ये सारे पार्टिकल्स इसके बीच में होते हैं और ये सन के चारों ओर ये भी मूव करते हैं, जिन्हें मीटियोराइट या मीटियोराइट्स कहते हैं। In this way, all of these information are very useful for students of standard 6. Okay, thank you very much. Mm-hmm.